दोस्तों, ये जो आप कटर्स देख रहे हैं ये मिनी साइज में हैं। कटर्स लार्ज साइज में भी आते हैं और उनमें काफी चौड़े ब्लेड होते हैं। ये मिनी साइज का कटर है, फोल्डेबल, जिन्हें हम फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर तीन अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के कटर ये रखे हुए हैं। एक इस शेप में, ये जो आप देख रहे हैं इस लाइन में, इस शेप में, और एक ये बीच में आप ये देख रहे हैं, ये जो ये देखिए इस शेप में, और ये फोल्डेबल है। ये देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं और इन्हें फोल्ड करना बिल्कुल ही आसान है। देखिए इस तरह से हम इन्हें फोल्ड करके रख सकते हैं। और ये जो बाकी जो आप ये साइड्स में देख रहे हैं, ये देखिए ये भी कटर्स है। इनसे हम अपनी पेंसिल भी छील सकते हैं या कोई कलम भी छील सकते हैं, लकड़ी या बांस की, या इनसे हम कोई कार्विंग का वर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो नाइफ होता है ये मल्टीपर्पज टूल होता है, जो कि कई अलग अलग प्रकार के कामों में इस्तेमाल हम इसे अपनी इच्छा अनुसार, कार्य अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, कटर अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं, बड़े कटर्स और छोटे कटर्स, और प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, अलग अलग मटेरियल में ये बने होते हैं। ये देखिए स्टेनलेस स्टील में बना हुआ कटर है, इसमें ये लेवल्स यहाँ पर दिए गए हैं। हम अपने इसको किसी भी लेवल के हिसाब से कम या ज्यादा यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आगे से नोक जो है इसकी खराब हो जाए काम करते करते, तो हम उसे तोड़कर अलग भी कर सकते हैं और नई नोक जो है वो काम के लिए तैयार हो जाती है। और अगर हम चाकू को ये पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं कटर को, तो उसके ब्लेड को हम फिर नए ब्लेड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अलग तरह का कटर है, अलग डिजाइन में, और ये इनके ब्लेड्स हैं। ये देखिए ये छोटे ब्लेड्स जो हैं ये स्मार्ट पैकिंग में आते हैं, ये काफी सारे हैं, आपस में ये चिपके हुए हैं। ये देखिए ये छोटे ब्लेड्स और ये बड़े ब्लेड्स बड़े कटर के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने टूल्स रखे हुए हैं ये थर्माकोल कटर टूल्स हैं। थर्माकोल शीट जो होती है दोस्तों वो बहुत ही हल्की होती है, उसकी मोटाई अलग अलग होती है। वो 1 सेंटीमीटर की मोटाई में भी आती है, 1 इंच की मोटाई में भी आती है, या इससे अलग कई साइज भी उसमें अवेलेबल होते हैं। थर्माकोल दो तरह का होता है दोस्तों, एक सॉफ्ट थर्माकोल, एक हार्ड थर्माकोल होता है। थर्माकोल कटिंग के लिए अलग अलग तरह के टूल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। स्टायरोफोम कटर टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है, हॉट वायर टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है, और ये जो अलग अलग तरह के कटर्स आप देख रहे हैं ये भी एक सिंपल सा मेथड है थर्माकोल को कटिंग करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी जो बनावट है, देखिए मैं आपको एक बार अनपैक करके दिखा देता हूं। बहुत ही शानदार और तेज धार के साथ ये देखिए तीनों कॉर्नर्स के ऊपर धार लगाई गई है अलग अलग शेप में, और ये थर्माकोल को बहुत ही स्मूथली काटने में बिल्कुल सक्षम है। और ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी बनावट, दोनों तरफ धार है इसमें भी, इसकी भी शाइनिंग बहुत ही बढ़िया है, स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। और ये नेक्स्ट टूल आप देखिए, ये देखिए आगे से बिल्कुल नुकीला गोलाई में है, कर्व शेप में है, और बहुत ही धारदार है। पीछे से ये वुडन हैंडल है पकड़ने के लिए, स्टेनलेस स्टील, और ये देखिए इसकी मोटाई और इसकी मोटाई में फर्क है। दोनों वैसे तो सेम है पर इसकी मोटाई थोड़ी कम है, इसकी मोटाई ज्यादा है। और हर टूल में, इन चारों में से हर टूल में हर किनारे पर धार लगाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो ये है थर्माकोल कटर टूल्स। दोस्तों ये है स्टायरोफोम कटर। ये स्टायरोफोम काटने के लिए या थर्माकोल काटने के लिए और जो मोम होता है ये मोम को भी काट सकता है। कई अलग अलग तरह के कार्यों के लिए हम इस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ये पेन देख रहे हैं आप, ये स्टायरोफोम कटर पेन, ये देखिए यहाँ से ये स्टेनलेस स्टील है, ये ब्रास मेड है और ये देखिए आगे भी स्टेनलेस स्टील। इसके पीछे जो ये पॉइंट है ये इसका एडेप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ये एडेप्टर। हम इस हिस्से को इससे जोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह से। इसको जोड़ने के बाद हम इसे बिजली के प्लग में लगाने के बाद हम इस पर आसानी से काम कर सकते हैं। अगर हम कार्य को बीच में रोकना चाहें तो हमें बार बार एडेप्टर निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बीच में जो ये बटन दिया गया है, ऑन ऑफ का ये बटन इसमें दिया गया है स्टायरोफोम कटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार डिवाइस है ये, थर्माकोल या हॉट वैक्स स्टायरोफोम की कटिंग के लिए। जब इसे हम ऑन करते हैं तो ये जो इसका तार वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये काफी गर्म हो जाता है और इस तार के गर्म होने की वजह से ही ये फोम को, थर्माकोल को, अदर मटेरियल्स को आसानी से कार्विंग कर पाती है, कटिंग कर पाती है। बहुत ही बढ़िया शानदार टूल स्टायरोफोम कटर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पेपर कटर के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों पेपर कटर जो होता है ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है कागज की कटिंग करने में। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा, ये देखिए ये A4 साइज के कागज तक की कटिंग कर सकता है। दोस्तों पेपर कटर जो है वो इससे बड़े साइज में भी आता है, A3 साइज में भी आता है, लेकिन ये जो है ये A4 साइज तक है और A4 से नीचे तक के जो साइज है वो भी ये कटिंग कर सकता है। ये देखिए ये जो इसके साथ ये स्ट्रिप दी गई है इसमें नीचे 3 ये मैग्नेट लगाए गए हैं और ये जो सरफेस है ये आयरन से बना हुआ है, इसलिए इस पर इस तरह से चिपक जाती है। अगर मान लो हमने B5 शेप में कागज को काटना है तो हम इस लाइन के साथ में इसको इस तरह से रख देंगे, ये देखिए ऊपर यहाँ पर लगाकर और इस लाइन के साथ हमने रख दिया और फिर हम इस हैंडल को, ये देखिए इस हैंडल को हम ऊपर कर देंगे और कागज को हम यहाँ रख के ताकि वो इस लाइन से आगे ना जाए, ये जो है स्ट्रिप उसको रोकने का काम करेगी। हम कागज को आसानी से यहाँ पर इस तरह से रख के और यहाँ से जो सिरा उसका बाहर चला जाएगा जिसकी हमने कटिंग करनी है, जैसे ही हम इस हैंडल को यूं नीचे करेंगे तो कागज जो है वो बहुत ही स्मूथ कटिंग उसकी हो जाएगी, बहुत ही सफाई से वो कागज कट जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग साइज इसमें है जो काटे जा सकते हैं, ये देखिए ये B7, B6, A5, B5 और A4, ये अलग अलग माप के लिए इसमें दर्शाया गया है। इनमें से किसी भी माप में हम कागज को काट सकते हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल करते वक्त एक बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये जो हैंडल है जब हम इसको पकड़ के नीचे करते हैं और कागज को जब यूं हाथ से दबा के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो कहीं गलती से इस लाइन से आगे उंगली नहीं आनी चाहिए, फिंगर अगर इससे आ गई तो कट भी सकती है, क्योंकि ये जो नीचे ब्लेड की धार है ये बहुत तेज होती है। दोस्तों औजार कभी भी बुरे नहीं होते, हम अपनी लापरवाही से दुर्घटना कर बैठते हैं और बाद में दोष औजारों को देते हैं। दोष औजारों का नहीं होता है, दोष हमारी लापरवाही का होता है। जब हम कार्य करते वक्त लापरवाही बरतते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का औजार हम इस्तेमाल करें तो सावधानी के साथ इस्तेमाल करें, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है और हमारा जो काम है वो भी आसानी से होता है। तो ये आपने देखा ये पेपर कटर, ये देखिए ये पूरी तरह से पेंटेड है और मेटल से बना हुआ है।
वीडियो में आपने पेपर कटर के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।